दोस्तों, हमको एक प्रोफेशनल रिज्यूम कार्ड बनाने के लिए यूज़ करना पड़ेगा सीवी मेकर, जो कि एक मोड एपीके है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्ट बटन को प्रेस किया और इसके बाद हम लोग प्लस आइकॉन पे जा करके इसको प्रेस करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर अपलोड इमेज बोलेगा, तो यहाँ पर मैं एक अपनी पासपोर्ट साइज का जो इमेज मैंने बनाया है, सर्टिफिकेट पे लगाने के लिए या फिर रिज्यूम कार्ड पे लगाने के लिए, आप कहीं पर भी पासपोर्ट साइज का इमेज यूज कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर अपने पर्सनल डिटेल्स को फिल कर देता हूँ। जो भी कुछ यहाँ पर मांग रहा है वो सारा कुछ हमको यहाँ पर एक्यूरेट डाल देना है, क्योंकि मुझे रिज्यूम में अच्छा सा लिखना है और साथ ही ऐसा लिखना है जो हमको अच्छे से मालूम हो। अगर हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि मेरी स्किल क्या है, ये सब क्या है, तो बहुत दिक्कत होगी। तो मैंने यहीं पर वही फील कर रहा हूँ जो मुझे पता है अच्छे से। मैंने यहाँ पर पूरा यहाँ पर एड्रेस डाल दिया है और साथ ही यहाँ पर मैंने पर्सनल डिटेल्स भी भर दिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने पढ़ाई की है वो यहाँ पर फिल करना है। यूपी बोर्ड से हूँ तो यूपी बोर्ड मैंने सिलेक्ट किया। ठीक इसी तरीके से मैंने हाई स्कूल यहाँ से किया और यहाँ पर डेट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि जो सन है उसको सिलेक्ट कर लेना है, कब से कब तक मैंने पासिंग की है, वो सारा कुछ फिल करना है। ऐसे ही हमको इंटरमीडिएट के लिए भी यहाँ पर हमें वही चीज फिल करनी है जो हाई स्कूल वाले ने फिल की है। बस इतना सब करने के बाद ये सारी प्रोसेस कम्प्लीट होगी। इसके बाद मैंने जो आईटीआई किया था वो यहाँ पर भी मुझे फिल करना है, वो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। उसके बाद आगे की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर स्किल का बोलेगा, तो स्किल मेरे पास क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रीशियन की स्किल है और इंटरमीडिएट हूँ। और ऐसे ही यहाँ पर दोस्तों जो भी प्रोजेक्ट मैंने बनाया है उस प्रोजेक्ट का टाइटल मुझे डाल देना है। मैंने तो फायर डिटेक्टर बनाया था, जो कि आग लगने पर जो फायर डिटेक्ट है वो बता देगा कि हाँ यहाँ पर आग लग चुकी है। तो मैंने एक ऐसा सेंसर बनाया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिल कर दिया, मैंने फायर डिटेक्टर बनाया था। अभी मेरी हॉबी पूछा जाएगा कि मुझे क्या चीज़ पसंद है और हॉबीज़ क्या है, तो मैंने डाल दिया हॉबीज जो है हमारी ट्रेवलिंग है, मुझे ट्रेवलिंग में अच्छा लगता है। और इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हमारे इंटरेस्ट जिसमें है वो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। साथ ही यहाँ पर मुझे साइन बोलेगा, मैंने साइन भी यहाँ पर कर दिया। इतना सब प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद और भी चीज़ें बोलेगा डालने को, बट मैं यहाँ पर और कुछ फिल करने वाला नहीं हूँ। मैंने यहाँ पर जो भी मुझे टेम्पलेट चाहिए वो मैंने यहाँ से टेम्पलेट ले लिया और टेम्पलेट लेने के बाद हमारा जो रिज्यूम है बन के रेडी हो चुका है। कुछ इस तरीके से हमारा रिज्यूम दिख रहा होगा आपको, और ऐसे ही आगे का भी रिज्यूम है। यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट हैं, जिसका चाहो उसका यूज कर सकते हो आप लोग। आगे मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा जो टेम्पलेट है वो यूज करके, और दूसरे टेम्पलेट में मेरा रिज्यूम कैसा नजर आता है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो आप लोग इस तरीके से अपने रिज्यूम कार्ड को बना सकते हैं बड़े आसान तरीके से, और ना ही कोई लोगो ना ही कोई एड वगैरह आता है। तो अभी रिज्यूम आप लोग देख सकते हो, ऐसा रिज्यूम बनेगा आपका भी अगर आप लोग इस तरीके से यूज करोगे इस एप्लीकेशन को। और इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियोस पसंद आया होगा। वीडियोस पसंद आया हो तो वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, साथ ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।